आप लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान, अफ्रीका, कनाडा, भारत। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? दुनिया में भूकंप सबसे ज़्यादा अफ्रीका में आता है जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन कह रहा है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है? ऑप्शन नंबर ए शीशम, ऑप्शन नंबर बी लाल चंदन, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी पीपल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल चंदन। लाल चंदन आपके वहाँ अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसमें शेर कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसमें से राइट आंसर बताइए आप लोग। इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में दो शेर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ओलंपिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद हुआ था? कितने वर्षों के बाद होता है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्षों के बाद, ऑप्शन नंबर डी 9 वर्षों के बाद। तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी मनकापुर, सी पटना, डी उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा, बी तमिल भाषा, सी उर्दू, डी तुर्की भाषा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा था? ये नारा है एक, वो किस महापुरुष ने कहा था? ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी जी ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध जी ने, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र जी ने। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? ऑप्शन नंबर ए 2 राज्य, बी 3 राज्य, सी 4 राज्य, डी 5 राज्यों। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी में मुताबिक कौन सी देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों ये अपना ही देश है भारत, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीन देश को, ऑप्शन नंबर बी भारत देश को, ऑप्शन नंबर सी जापान देश को, ऑप्शन नंबर डी नेपाल देश को।
तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी जापान। जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बीरबल, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी महा जहांगीर ने। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा वह आपका सी नंबर होगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र राज्य, बी उत्तर प्रदेश राज्य, सी पश्चिम बंगाल राज्य, डी असम राज्य। दोस्तों राइट आंसर बताइए इसमें का, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वैसे मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? साला जीव भी 3 साल तक सोता है, ये तो साला कुंभकर्ण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए कंगारू, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर बी सी शार्क मछली, डी घेघा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये साला घेघा ही सोता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय योजन क्या है? रोटी। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? रोटी, चावल, खिचड़ी, दाल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा खिचड़ी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राष्ट्रीय भोजन हमारी खिचड़ी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत गायन की समय अवधि क्या है? 52 सेकंड, बी 65 सेकंड, डी 70 सेकंड, डी 82 सेकंड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका 65 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 30 से 40 साल, ऑप्शन नंबर बी 50 से 70 साल, सी 80 से 94 साल, डी 100 से 105 साल। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 50 से 70 साल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाल नदी किस देश में बहती है? भारत देश, चीन में, वियतनाम, मलेशिया। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? ऑप्शन नंबर ए भारत देश ने, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, जर्मनी देश ने सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर, 5 मीटर, 5.5 मीटर, 7 मीटर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर, जो साड़ी होती है 5 मीटर की होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन, जो बल्ब होता है जिसका आविष्कार एडिसन ने किया था उसमें हमारी आर्गन गैस भरी होती है। और बता दूं, और जो उसका तंतु बना होता है, तंतु वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, तंतु उसका टंगस्टन का बना होता है। आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद।